कुछ लोग कह रहे हैं सीएए लाने की इतनी जल्दी क्या थी, ये सरकार भेदभाव कर रही है, हिंदू और मुस्लिम कर रही है कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, हमारे लिए हमारी नजर में वो भारतीय है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया उसे अपनी गलती का एहसास होगा। किसी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर। नेहरू जी ने नेहरू लियाकत समझौता साइन होने के एक साल पहले असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी को एक पत्र लिखा था और गोपीनाथ जी को पत्र में जो लिखा था वो उसमें कोट करना चाहता हूं। उन्होंने पत्र में लिखा था, जो लोग हमको कहते हैं ना हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम देश को बांट रहे हैं, ये नेहरू जी ने क्या कहा था ये जरा याद रखना। गोपीनाथ जी जो असम के मुख्यमंत्री थे, नेहरू जी ने लिखा था आपको आपको हिंदू शरणार्थियों और मुस्लिम इमिग्रेंट्स इसके बीच फर्क करना ही होगा और देश को इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उस समय असम के मुख्यमंत्री को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखी हुई चिट्ठी है। नेहरू लियाकत समझौते के बाद कुछ महीनों के भीतर ही नेहरू जी का इसी संसद के शोर पर 5 नवंबर 1950 उनका एक बयान है। 5 नवंबर 1950 नेहरू जी ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में सेटल होने के लिए आए हैं ये नागरिकता मिलने के हकदार है और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर के ये समझौता हुआ। समझौते का आधार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं जिसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक है जिसकी बात हम बोल रहे हैं उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा, नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया। नेहरू जी समझौते में पाकिस्तान की माइनॉरिटी इस बात पर कैसे मान गए, जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। जो बात हम बता रहे हैं आज वही बात उस समय नेहरू जी ने बताई। अब मैं कांग्रेस के खास रूप से पूछना चाहता हूं और उनकी इकोसिस्टम भी मेरे सवाल समझेगी। जो ये सारी बातें मैंने बताई, क्या पंडित नेहरू कम्युनल थे? मैं जरा जानना चाहता हूं। क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम में भेद किया करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे?
जो उन्होंने जो बातें कही, क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी कविता में लिखा है, लीक पर वो चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यार